शैतान रजीम बसमीम कुछ ऐसे सवाल हैं कि जो नौजवान करते हैं और हम उनको मतमिन भी करते हैं इसलिए कि हर मसले का हल जो है वो के पास है आपको जाइलों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है और बिलखसूस जो नेट पे आकर आज लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि मर्दाना ताकत के लिए ये दुआई इस्तेमाल करें और इस कदर जो है वो इंसान के अंदर ताकत आ जाएगी लिजा इन चीज़ों से बचें देखिए वो वीडियो कि जो इस मौजू पर होती है उसको लाखों की तादाद में मिलियन लोग देख रहे होते हैं हालांकि उन्हें कोई फ़ायदा नहीं मिलता इनसे इसलिए कि ये सिर्फ़ ज़बानी बातें होती हैं लिजा हया के ख़िलाफ़ सवाल नहीं है बल्कि यही सवाल हैं कि जिनका जवाब देना ज़रूरी है तब के आपकी आने वाली नस्ल ताबार बने फर्मा बरदार बने और हलाल पैदा हो इसलिए कि आप स्त्री में कुछ चीज़ें हराम हैं मसलन देखिए आज का नौजवान जो है वो बेहयाई वाली फिल्में देखकर जो है वो बीवी के पास जाता है जब पहली रात आती तो देखिए ये इस्लाम ने हर सूरत गुनाह है हराम है कि आप जब एक गुनाह करके आते हैं और वही ख्याल आप के जहन में है और अपनी बीवी के पास जाते हैं और बीवी अल्लाह ताला ने ऐसा अज़ीम रिश्ता बनाया है कि जो एक दूसरे का लिबास है जो अपनी अंदर की बातें दूसरे को नहीं बताता लिहाजा ये हराम है ये गुनाह है गुनाहन कबीरा है इसी तरह कुछ नौजवान शादी करते हैं और उसके बाद लड़का और लड़की अपनी राज की बातें अपने दोस्तों को बता रहे होते हैं ये भी हराम है ये भी बहुत बड़ा गुनाह है देखें अल्लाह के रसूल ने फरमाया कवे से हया जो है वो तुम्हें हासिल करना चाहिए इसलिए कि वो नस्ल तो इसकी इस कदर है लेकिन आज तक कभी देखा है अपने घर की बातें अपने घर में रखता है लिहाजा ये एक अजीम रिश्ता है ये भी बहुत बड़ा गुनाह है और इसके बाद तीसरा ये कि किज़ की हालत में बीवी के पास नहीं जाना ये भी गुनाह है और कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि आया हमें जो है वो बीवी के साथ जो है वो हम बिस्तरी करने के लिए जिस तरह लड़के करते हैं क्या ये भी हम कर सकते हैं तो देखिए इसकी भी कहा कि हराम यह मकरू शदीत कराहत की गई है कि बीवी के साथ ये अमल नहीं करना इसलिए कि अलग जात ने मियाँ बीवी को जो रिश्ता दिया है ये नस्ल के लिए दिया है और नस्लता भी चलती है और ये तरीक़े नहीं बताए जाते लोग कहते हैं कि ये तरीके करो ये करो ये करो नहीं ये परवदिगार ने इंसानों के अंदर जानवरों के अंदर फितरी तरीक़े के साथ जो है वो रखे हुए हैं ये किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है कि बंदा सीखता रहे कि जी आम बिस्तरी के तरीके क्या है नहीं ये परवान ने हर इंसान के अंदर फितरी रखे हुए हैं लिहाजा उसे किसी से सीखने की भी ज़रूरत नहीं है और किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं है लिहाजा अगर आपको रनुमाई की ज़रूरत है तो आप उलमा से जो है वो रुजू कर सकते हैं और देखें हर मसले का हल जो है वो उलमा के पास मौजूद है